हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आज का हमारा ये टॉपिक मैथ्स रिलेटेड है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और फॉर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन द सिटी। एडजॉइनिंग द पाई चार्ट शुड द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। फ्रॉम दिस पाई चार्ट एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक्स पब्लिक लाइक कर रहे हैं, जिसमें सेमी क्लासिकल 20% लाइक करते हैं लोग, क्लासिकल म्यूजिक 10%, फ्लॉक 30% एंड लाइट म्यूजिक को 40% लोग लाइक करते हैं। और हमें यहाँ पे तीन क्वेश्चंस दिए हैं। इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वे। सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। एंड थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी टाइप ऑफ ईच वुड दे मेक। आइए देखते हैं इसके आंसर्स। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है हमें, मैंने रफ फिगर बनाया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था कि अगर 20 क्वेश्चन है हमारा, सपोज मैंने एज्यूम किया है कि 10% रिप्रेजेंट करते हैं 100 पीपल को, तो 20% लोग 20% कितने को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया, सपोज एक्स पीपल हमें फाइंड करने हैं, 20% ऑफ एक्स पीपल। तो एक्स इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 200 पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि 200 पीपल वेर सर्व, ओके सर्वे सॉरी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम रफ फिगर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे कि 40% लाइट म्यूजिक प्रिफर कर रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा लाइट म्यूजिक, ओके लाइट म्यूजिक हमारा आंसर रहेगा, मैक्सिमम नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है सीडीज फॉर क्लासिकल म्यूजिक। अब हमें पता है कि क्लासिकल म्यूजिक 10 लोग पसंद करते हैं, 10% लोग, लेकिन 10% में कितने लोग आते हैं। सो फॉर 1000 सीडी 10% फॉर 1000 सीडीज, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और परसेंटेज की साइन हटाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। और हमें 1000 सीडीज का देखना है इसलिए 1000, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो जीरो कट एंड 10 10 100। ठीक उसी तरह से सेमी क्लासिकल के लिए 20% था, परसेंट की साइन हटेगी तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। और फॉर वी हैव टू फाइंड 1000 सीडीज, देयरफॉर यहाँ पे डबल जीरो कट हो जाएंगे तो 20 10 200। सिमिलरली फॉर फ्लॉक म्यूजिक 30% था, सो 30% ऑफ 1000 होता है 300। एंड फॉर लाइट म्यूजिक 40%, तो 40% ऑफ 1000 सीडीज हो जाएगा 400। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100 तो टोटल हो जाता है 1000। मतलब कि हमने वेरीफाई भी कर लिया कि क्लासिकल सीडीज 100 पीपल, सेमी क्लासिकल 200, फ्लॉक 300 एंड फॉर लाइट म्यूजिक 400 पीपल्स। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर द फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। पहला क्वेश्चन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। अब यहाँ पे देखने से पता चलता है कि विंटर सीजन गॉट मोर वोट। तो पहला आंसर हमारा पता चल गया हमें कि विंटर सीजन गॉट मोस्ट वोट।
अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंड थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया है विंटर सीजन, हमें सेकंड क्वेश्चन का सेंट्रल एंगल निकालना है सभी के लिए, और यहाँ पे उसके बाद हमें पाई चार्ट प्लॉट करना है। तो आइए देखते हैं सेकंड एंड थर्ड आंसर। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर समर सीजन निकालने के लिए हमें यहाँ पे वॉट्स कितने थे, तो 90% वॉट मिले थे, और हम जानते हैं कि टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है, तो 360 होता है। तो 360 ऑफ डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 360, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो सेंट्रल एंगल पर वॉट्स थे, नंबर ऑफ वॉट्स को टोटल नंबर्स ऑफ यहाँ पे दिया था हमें ग्रुप पीपल्स 360, तो ये हमारे नंबर ऑफ वॉट फॉर समर सीजन एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय टोटल सेंट्रल ऑफ एंगल, मतलब कि 360 कट हो गया, तो हमारा सेंट्रल एंगल मिल गया। इसी तरह से वॉट्स यहाँ पे विंटर सीजन में 150 मिले थे, और टोटल नंबर ऑफ पीपल है 360 एंड टोटल सेंट्रल एंगल है 360, तो 360 यहाँ पे भी कट होगा, 150 सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। इसी तरह से वोट मिले थे 120, टोटल पीपल है 360 और सेंट्रल एंगल टोटल होता है 360, तो 360 360 120, मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल एंगल फॉर समर सीजन 90, सेंट्रल एंगल फॉर विंटर सीजन 150 एंड सेंट्रल एंगल फॉर रेनी सीजन हो गया 120, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको पाई चार्ट में कैसे प्लॉट किया। तो पाई चार्ट में 90 डिग्री समर, यहाँ पे रेनी सीजन 120 एंड विंटर 150 डिग्री, तो ये हमारा पाई चार्ट में इसको हमने ड्रॉ किया, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कलर है डिफरेंट ब्लू ग्रीन रेड एंड येल्लो, नंबर ऑफ पीपल्स ब्लू पसंद है 18, ग्रीन 9 पीपल को पसंद है, रेड 6 और येल्लो 3, टोटल मिला के नंबर ऑफ पीपल होते हैं 36। हिंट के तौर पे हमें दिया गया है कि यहाँ पे ब्लू को हमें नंबर ऑफ पीपल को हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करना है, जिससे कि हमारा फ्रैक्शन आएगा 1/2। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ पीपल को टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 18/36 आ रहा है 1/2। इसी तरह से मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल को टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर रहा हूँ 1/4। इसी तरह से नंबर ऑफ पीपल को टोटल नंबर 1/6 एंड 3/36 विच इज इक्वल टू 1/2। हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। हम जानते हैं कि सम ऑफ सेंट्रल एंगल होता है 360, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमारा सेंट्रल एंगल हो गया ब्लू के लिए, और ग्रीन के लिए हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360, वो हो जाएगा 90 डिग्री, जो हमारा ग्रीन के लिए हो गया। उसी तरह से रेड के लिए 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360 60 डिग्री, और येल्लो के लिए हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आइए उसको प्लाई चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमें 180 डिग्री मिला ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन हुआ, तो मैंने इसको आधे सर्कल को ब्लू में दे दिया। ग्रीन के लिए 90 था तो राइट एंगल फॉर्म किया, और बाकी के येल्लो और रेड को 30 और 60 मैंने उसको सेंट्रल एंगल दे दिया, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रफ पाई चार्ट ड्रॉ किया हुआ है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के सेंट्रल एंगल दिए हैं। मैथ्स के लिए 90 दिया हुआ है, एसएस के लिए 65, साइंस के लिए 80, हिंदी के लिए 70 डिग्री एंड इंग्लिश के लिए 55, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि जो चार तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन तीन क्वेश्चंस के हमें आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, कहा गया है, लेकिन हमें दिया गया है सेंट्रल एंगल, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे मार्क्स ऑप्टेन करते हैं, चलो।
तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने सभी सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे मैंने सेंट्रल एंगल्स लिख दिए हैं। अब मार्क्स को ऑप्टेन कैसे करते हैं ये समझते हैं कि हमें यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया था, टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है हम जानते हैं 360, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल मार्क्स दिए गए हैं वो है 540। क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल मार्क्स दिए हैं वो 540 है, तो हमें क्या करना है, सेंट्रल एंगल को यहाँ पे टोटल सेंट्रल एंगल से डिवाइड किया, उसका जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा आंसर 1/4। 1/4 को 540 से कट करूँगा तो आंसर आएगा 135। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया है एसएस के लिए 65, टोटल एंगल है 360, को मल्टीप्लाई करूँगा टोटल मार्क्स से, उसका आंसर आएगा 97.5। ठीक इसी तरह से साइंस सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल दिया है 80, टोटल सेंट्रल एंगल है 360 और टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो 120। सेम इस हिंदी के लिए 70 और टोटल 360 दिया हुआ है सेंट्रल एंगल एंड 5/40 टोटल हमें मार्क्स दिए हैं जिससे कि हमें ऑप्टेंट मार्क्स मिल जाएंगे 105। नया फॉर इंग्लिश 55, 55 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 540 विच इज इक्वल टू 82.5। ठीक है, तो ये सारे हमें मार्क्स ऑप्टेन हो गए। अब हमें क्वेश्चंस क्या पूछे हैं उस रिलेटेड हम बात करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन से सब्जेक्ट में 105 मतलब के 105 मार्क्स आए, कौन से सब्जेक्ट में। देख सकते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट के अंदर 105 मार्क्स ऑप्टेन हुए हैं, तो हमारा आंसर हुआ इन हिंदी सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स मोर ऑप्टेंड इन मैथ्स देन हिंदी, मतलब कि यहाँ पे मार्क्स ऑफ मैथ्स कितना है 135, मार्क्स ऑफ हिंदी हमने ऊपर देखा 105, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे डिफरेंस निकला 30 मार्क्स। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 30 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा है हिंदी से। ठीक है, सो वी कैन से दैट 30 मार्क्स मोर मार्क्स आर इन मैथ्स देन हिंदी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें एसएस और मैथ्स का दोनों के मार्क्स को सम करके और साइंस और हिंदी के मार्क्स को सम करके दोनों में से किन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स ज़्यादा है। तो मैंने मार्क्स ऑफ एसएस लिखा 97.5, मार्क्स ऑफ मैथ्स लिखा 135, दोनों का सम किया तो आया 232.5 मार्क्स, एंड उसी तरह से मार्क्स ऑफ साइंस लिखा 120, मार्क्स ऑफ हिंदी 105, दोनों का आंसर किया 225। तो ऊपर से दिख रहा है हमें कि 233.5 मार्क्स मतलब के मार्क्स ऑफ एसेस एंड मैथ्स इज मोर देन मार्क्स ऑफ साइंस एंड हिंदी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बच्चे क्लास स्टूडेंट्स के बोल रहे हैं, कोई गुजराती, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू, कोई हिंदी और कोई सिंधी, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 72 है और हमें ये पूरा डेटा पाई चार्ट में बनाना है। तो सबसे पहले पाई चार्ट में बनाने के लिए हमें सबका सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल के लिए मैंने लैंग्वेज लिस्ट लिख दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए, तो सबसे पहले हम उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के अंदर गुजराती के लिए, उसी तरह से इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उर्दू के लिए भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसी तरह से सिंधी लैंग्वेज के लिए भी। तो हमारा गुजराती लैंग्वेज के लिए फ्रैक्शन आया 5/9, इंग्लिश के लिए 1/6, उर्दू के लिए 1/8, हिंदी के लिए आया 7/72 एंड सिंधी के लिए आया 1/80। तो आइए अब सेंट्रल एंगल निकालते हैं।
सेंट्रल एंगल के लिए हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को टोटल सेंट्रल एंगल से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 360 विच इज इक्वल टू 200, 1 बाय 6 मल्टीप्लाई 360 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, 1 बाय 8 मल्टीप्लाई 360 विच इज इक्वल टू 45, एंड 7 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360 विच इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंड 1 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 360 विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो हमें सभी के सेंट्रल एंगल मिल गए, अब हमें उनको पाई चार्ट में प्लॉट करना है, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ की है, ठीक है। तो आप इस सेंट्रल एंगल, सभी सेंट्रल एंगल को पाई चार्ट में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो एक्सरसाइज 5.2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड फॉर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूले, ठीक है। हम बहुत जल्द अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।